ये ग्रीन बन रहा है ना, फिर यहाँ रेड, जैसे ये येलो बनाई है, येलो के बीच में रेड है, और यहाँ बहुत सारे नाम है, कोई बोलती है वो उषमा के यहाँ, कोई यहाँ बैसाखी जो चलती है वो बहुत अच्छा बेडशीट बनाती है, उनका अपना बुटीक है, और बुटीक वाले के यहाँ जाना है आपको, ठीक है। मैं बचपन से नहीं हूँ ऐसी, एक तो हमको पोलियो मारा हुआ था और मेरा पैर सूख करके बिल्कुल पतला, जिस तरह से पोलियो का पैर आप देखे होंगे कि उसमें मांस नहीं होता है, बिल्कुल सिर्फ बोन नज़र आता है, सिर्फ बोन ही और एक स्किन नज़र आती है उस पर। तो हमको पता चला डॉक्टर अंकल के बारे में, हम वहाँ गए, एक ऑपरेशन करवाया 2007 में मैंने ऑपरेशन करवाया, जिसके कारण मेरा पैर बिल्कुल इक्वल हो गया, दोनों नॉर्मली बिल्कुल सही हो गया। हमारा सेंटर जो है आप कह सकते हैं कि ये बेस सेंटर के रूप में काम करता है। किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, कोई कैंची पैर है ताकि वो चल नहीं सकता, उन लोगों के ऑपरेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। और महीने में एक बार ऑपरेशन करते हैं उन मरीजों में, छोटे छोटे बच्चे 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बच्चे आते हैं जिनके बीच डिफॉर्मिटी रहती है। कैलिपर उस टाइम में भी मिला था, लेकिन हम ये सेंटर चलाने के कारण और बहुत सारा आया हुआ था, ये ऑर्डर पे काम आया हुआ था, जिसके कारण हम उस पर केयर नहीं किया, दर्द बहुत ज़्यादा था तो मैं वही ऑर्डर पे काम लेती रही और पैर को इस तरह से मोड़ मोड़ के बैठते बैठते फिर वापस उसी कंडीशन में हो गया। मैंने जिस इस क्षेत्र में जो काम किया था 6 पंचायतों में, एक एक घर में जाकर पूरे सबका रिकॉर्ड लेकर दिव्यांग मित्र परिवार ऐसा हमने बनाया, और उसमें लोगों से अनुरोध किया कि आप 100 रुपया महीना, 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना अपने सामर्थ्य के अनुसार आप हमें दें। 38 जिले हैं बिहार के अंदर, और 38 जिले में हर ज़िले में करीबन 8 से 10 हज़ार विकलांग हैं, और आप अंदाज लगा लीजिए कि 4 लाख की संख्या करीबन बिहार में होगी मिनिमम। आंकड़े तो 2011 में आए, पर वो आंकड़े भी कितने सही हैं ये नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूर है आपको बता दें कि हम सपना देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि बिहार से कैसे विकलांगता मुक्त होगी, और देरी होती है तो छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है बहुत बार। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खुद पे डिपेंडेंट रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, और हमारे जैसे लोग अपने आप को जो कहते हैं कि विकलांग हैं या तो हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम औरों से कम कभी खुद को नहीं माना है। हम मानते हैं हम बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अपने आप को कभी किसी से कम नहीं माना कि हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि जो छोटे से लेकर के हम 20 साल तक बाहर नहीं निकले सर, बिल्कुल ही नहीं निकले हैं। समाज सरकार के भरोसे नहीं चलता, ऐसे आम आदमी के भरोसे चलता है, जिसके कारण समाज का भला हो पाता है।